ना भूले। विधिक साक्षरता कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर श्री बी आर पाटिल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर द्वारा शासकीय हाई स्कूल माकड़खेड़ा तहसील कसरावत में विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव भारत सिंह रावत द्वारा कहा गया कि मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा एड्स जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करने एवं रोगियों तथा परिवारजनों की नियमानुसार विधिक सहायता करने के उद्देश्य से दिनांक 2 दिसंबर 2019 से दिनांक 6 दिसंबर 2019 तक एचआईवी एड्स के पीड़ित व्यक्ति के परिजनों के संबंध में सहायता एवं जागरूकता हेतु विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके द्वारा एड्स रोगियों के साथ संवेदनशील रहकर मानवता का व्यवहार करने की बात कही गई। पास्को एक्ट एवं मोटरयान अधिनियम के संबंध में भी सरल शब्दों में बच्चों को जानकारी दी गई। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। उसको हम लोग संरक्षित रखें, कोई नुकसान न पहुंचाए, इस तरह की बहुत सारे कर्तव्य दिए गए। मूल रूप से मैं आपको समझा दूं कि जब भी हम कहीं जाते हैं, जैसे हम स्कूल में आते हैं, इस स्कूल में जितने भी सामान यहाँ है वो सब सरकारी संपत्ति है, सरकार ने हमें व्यवस्था कर दी है। अगर यहाँ की खिड़की दरवाजे पढ़ने की कोई सामग्री या यहाँ की किसी भी चीज को अगर हम कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से वो गलत है, ये हम भी जानते हैं। यदि नहीं ऐसा करते थे तो आप हमारे कोर्ट में जो एडीआर सेंटर बना है उसमें आके आप लोग सहायता ले सकते हैं। वैसे ही आसपास आजकल इतने घरेलू हिंसा के केस आ रहे हैं, जैसे आए दिन आपके माता पिता लड़ रहे हैं या आसपास कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उसके संबंध में भी आप आके हमारे लीगल एड में आके आप पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। आपको भी बच्चे जिनको आप निःशुल्क हम कोई फीस भी नहीं देते हैं, उस फिर भी आपको एक रुपये का पैसा नहीं देना है, आप आके सलाह भी कर सकते हैं। आप अपने समाज में जाके आके और बताइए, जैसे आज हमने कैंप किया तो आप आपके आसपास वालों को बताइए। तो मोटरसाइकिल का स्वामी यदि आपके पिताजी हैं, भाई हैं, तो उनको दुर्घटना के परिणाम स्वरूप जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति अदा करना पड़ेगी। यदि मर गया है तो बहुत ज्यादा लाखों में क्षतिपूर्ति अदा करना पड़ती है, इसलिए आप लोग ध्यान रखें, आप लोग मोटरसाइकिल नहीं चलाएं। अन्यथा पता लगा जाओ खेत पे चले जाओ, तारे का गट्ठा रख के ले आना और मोटरसाइकिल उठा के चल दिए और रास्ते में कोई घटना घटित हो गई तो 4 महीना बढ़ जाएगा, इसलिए आप तो ध्यान रखें। महत्वपूर्ण बात, जैसा आपने सुना होगा कि गांधी जी को एक थप्पड़ गाल पे मारा तो उन्होंने दूसरा थप्पड़ भी सामने कर दिया। तो इसी ढंग से यदि आप किसी कोई अपने साथ छोटी गाली गलौज कर रहा है या कोई हमला करने का प्रयास कर रहा है तो उससे दूर रहा जाए, तो निश्चित दूर रहा जाए, संवेदनशील बनोगे तो निश्चित ही अपराध कम होंगे। आप हर समय अच्छा और बुरे पर विचार करें, कौन चीज अच्छी है कौन चीज बुरी, तो निश्चित ही अपराध कम होंगे और आपको एक अच्छा मार्ग मिलता जाएगा। जब आप विचार करेंगे तो अच्छाइयों की ओर बढ़ते जाएंगे और जब आप विचार नहीं करेंगे तो एक कोई काम करना चाहेंगे तो संभव वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है अच्छे विचार रखें और अच्छे विचार रखेंगे तो निश्चित ही देश का अच्छा होता चला जाएगा, अपराधों की संख्या कम होगी और अच्छे इंसान हर नागरिक बनता चला जाएगा। इस ओर ध्यान रखें, आप लोगों ने हमारी बात सुनी। महोदय सचिव जिला विधिक सहायता श्री भारत सिंह रावत साहब, व्यवहार न्यायाधीश मेरा दावा और जिला विधिक सहायता अधिकारी निशान खान साहब और स्कूल के प्राचार्य महोदय और सारे स्टाफ और प्यारे बच्चों, आप सबको
हेलो, दिखाई दे रहा होगा कि आज हम आप लोगों के सामने विधिक साक्षरता के लिए आए हैं। विधिक साक्षरता क्या होती है? वैसे कानून के बारे में आप सोच रहे होंगे कि कानून शब्द तो सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जज और अपराधियों के बीच में कानून की जानकारी होती होगी। कानून आपने सोचा होगा कि कानून जज और अपराधियों के बीच की जानकारी होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।